एंड वेलकम है मेरे साथ टुडेज न्यूज़ की दुनिया में, जहां आपका होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि बॉलीवुड में प्रेम संबंधों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्रेम संबंध अलग है। धर्मेंद्र की पहली शादी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त प्रकाश कौर महज 19 साल की थी। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र को सनी देओल, बॉबी देओल और बेटी विजेता और अजीता 4 बच्चे हुए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस कहानी में तब मोड़ आ गया जब 1980 में बॉलीवुड के हीमैन ने हेमा मालिनी से शादी कर ली और उन्हें 2 बेटियां हुई, ईशा और आहना। दरअसल साल 2015 में धर्मेंद्र के भाई अभय देओल के पिता अजीत देओल बीमार पड़ गए थे और ईशा देओल उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन एक इंटरव्यू में ईशा देओल बताती है कि मैं अपने चाचा से मिलना चाहती थी, मैं उन्हें देखना चाहती थी, वह मुझसे और आहाना से बहुत प्यार करते थे, हम अभय के भी बहुत करीब थे, उस वक्त हमारे पास उनके घर जाने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सनी भैया को फ़ोन किया और उन्होंने उनसे मिलने की मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर दी। और सनी देओल की माँ प्रकाश से मिलने ईशा देओल कहती है कि जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर विदा किया। हालांकि कहा जाता है कि सनी अपनी आधी बहनों के नज़दीक है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात का इजहार इसलिए नहीं किया ताकि कोई बखेरा ना खड़ा हो। इस तरह से ईशा देओल से जुड़े जब वह अपने सौतेले भाई सनी देओल की मदद से अपने पिता धर्मेंद्र के घर पहली बार पहुंची थी। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।